मोदी लहर हवा में उड़ गई, शाह के चाणक्य गिरे भी हो गई चकनाचूर, कर्नाटक में राहुल गांधी की आंधी का ट्रेलर, एमपी और राजस्थान में दिखेगी फिल्म। हार देखकर मोदी कमरे से बाहर नहीं आए, चाणक्य साहब दूज के चांद बन गए, बुलडोजर वाले बाबा भी पैदल हो गए तो पात्रा जी पाताल लोक में छिपे थे। कर्नाटक में कांग्रेस ने कैसे जादू किया, दिल्ली से पहुंचे राहुल गांधी, करीब 50 मीटिंग, 36 रैलियां, 5 संकल्प ने बीजेपी के धनबल को धुआं कर दिया। बजरंगबली ने बीजेपी का ऐसा लंगोट खोला कि इज्जत ढकने को कपड़ा नहीं मिला। कर्नाटक में हो गई टाई टाइफिस, न मोदी का रोड शो काम आया, न योगी का मठ वाला कार्ड। पहले देश में मोदी लहर चलता था, आज हम आपको 3 ऐसे सबूत दिखाएंगे जो बता रहे हैं कि अब देश में मोदी लहर काफूर हो चुकी है और राहुल गांधी की आंधी चलने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द पैदा कर चुकी है। राहुल गांधी बसों में घूमे, आम नागरिक की तरह ट्रैवल किया, किसानों की आवाज उठाई, नौजवानों और बेरोजगारों की आवाज बने, लेकिन बीजेपी बात बात पर बजरंगबली को बदनाम करने चली थी। कहते हैं बजरंगबली तो कलयुग में भी जीवित हैं और कर्नाटक में तो उनकी जन्मभूमि रही है, फिर उसी कर्नाटक में बजरंगबली को कोई कैसे ठग सकता था। पिछले 20 दिनों से बीजेपी उसी कर्नाटक में बजरंगबली को ठगने की कोशिश में लगी थी, हर बात में बजरंगबली को बदनाम किया जा रहा था। इसलिए शनिवार को बजरंगबली ने बदनाम करने वालों का ऐसा लंगोट खींचा कि सारे के सारे सरपट धोती समेट कर भाग गए। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता की कहानी बहुत कुछ कह रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर पड़ने लगा है? ये सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। कर्नाटक में जिस तरह बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को आगे कर भाजपा ने ध्रुवकरण करने की कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस का जीतना भगवा दल के लिए बड़ा झटका है। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने भाजपा ही नहीं बल्कि अंदर ही अंदर तीसरे मोर्चे की कोशिशों में लगी पार्टियों को भी बड़ा संदेश दिया है। 5 से 6 ऐसे सियासी चेहरे हैं जिन्हें कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखते हुए आगे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उनके बारे में जानने से पहले कर्नाटक में भाजपा बनाम कांग्रेस की फाइट को भी समझना जरूरी है। आखिर खड़गे राहुल की कांग्रेस कैसे मोदी शाह वाली भाजपा पर भारी पड़ गई? लोग ये भी पूछने लगे हैं कि क्या सच में राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ने लगा है? रुझान तो यही बता रहे थे कि कांग्रेस कर्नाटक में 135 के आसपास सीटें लेकर आएगी और बीजेपी करीब 61 सीटों तक सिमट जाएगी, जबकि रुझानों के मुताबिक जेडीएस 22 सीटों के आसपास थी। मतलब कांग्रेस बड़ी आसानी से स्पष्ट बहुमत हासिल कर रही है, उसे किसी भी किंग मेकर की जरूरत नहीं है, यानी कांग्रेस को कोई ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा। दरअसल कर्नाटक के चुनाव प्रचार का पैटर्न देखिए तो बजरंगबली के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे पीछे रह गए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही तो सियासी तूफान आ गया। इस मुद्दे में भाजपा को जीत का सर्टिफिकेट दिखने लगा, उसने ऐसा प्रचारित करना शुरू कर दिया जैसे कांग्रेस ने बजरंग दल नहीं भगवान बजरंगबली का अपमान किया हो। खुद पीएम मोदी बजरंगबली को ताले में बंद करने जैसी बात करने लगे। भाजपा को लगा कि इससे कर्नाटक में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया और पूरा चुनाव अलग ही दिशा में चला गया, जबकि कांग्रेस ने क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर फोकस बनाए रखा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अच्छी रणनीति देखने को मिली। घोषणा पत्र में गरीबों को राशन, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार का वायदा किया गया तो प्रचार में उस पर फोकस भी हुआ। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लालू की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। नीतीश भाजपा से रिश्ता तोड़ चुके हैं और खुद के लिए 2024 में नई भूमिका तलाश रहे हैं। हाल ही में वो दिल्ली, महाराष्ट्र और कोलकाता के दौरे पर रहे। दरअसल 2024 से पहले भाजपा को टक्कर कौन देगा, जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाता था तो सभी कांग्रेस को बैकडोर पर रखने लगते थे। उन्हें लग रहा था कि फिलहाल उसकी हालत वैसी नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर शायद दिखने लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने अपने लिए रास्ता तो खोला ही है, जेडीयू और एनसीपी जैसे सहयोगी दलों को भी छटकने से रोक लिया है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है। अब नीतीश और पवार दोनों को संदेश मिल चुका है कि तीसरे मोर्चे की बात भूल यूपीए को मजबूत करने का वक्त आ गया है। कहीं तीसरे मोर्चे के चक्कर में वोट 3 हिस्सों में न बट जाए, क्योंकि इसका भी फायदा भाजपा को ही मिलेगा।